हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आज हम बहुत ही ज्यादा आसानी से घर में से ही घर की मलाई से दो तरह की क्रीम तैयार करेंगे। ये हमने घर की आपको फ्रेश मलाई लेनी है और इससे हम दो तरह की क्रीम तैयार करेंगे। एक तो अमूल क्रीम या और भी जो क्रीम आप बाजार से लाते हैं, जैसे दाल मखनी, शाही पनीर और इसके लिए, और कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए लेकर आते हैं वो क्रीम, और एक दूसरी व्हिप्ड क्रीम जिसका कि हम यूज करते हैं केक, पेस्ट्री, सैंडविचेस और किसी चीज के लिए। तो हम इस तरह से इस क्रीम से दो तरह की क्रीम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने ये आपको एक अच्छे से फ्रेश दूध को अच्छी तरह से खूब धीमी आंच पर बॉईल कर लेना है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से देखिए, ये इस पर बहुत अच्छी सी मलाई पड़ गई है। अगर आपने टोंड लिया है तो उससे भी बन जाएगी, और नहीं तो फुल क्रीम आप दूध ले लें, उससे बहुत अच्छी मलाई निकलेगी। अब हम इससे सबसे पहले क्रीम तैयार करेंगे। ये हमने बॉल लिया, साथ ही हम इसमें से ये जो क्रीम है, मलाई है, इसको पूरी मलाई को अच्छी तरह से इस तरह से निकाल लेंगे। दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। देखिए, हमने ये इस भगोने से पूरी मलाई को अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश दूध होना चाहिए इस तरह से। ये आपकी, ये हमने पूरी, अब देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, ये देखिए, ये आपकी फ्रेश क्रीम तैयार हो गई। ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम तैयार हो गई जिसका कि हम यूज करते हैं किसी भी दाल मखनी के लिए, शाही पनीर के लिए, उन सब के लिए। ये गाढ़ी गाढ़ी, ये इस तरह से इसको हम निकाल कर अलग रख देंगे। अब हम व्हिप्ड क्रीम, अब ये जो हमारी क्रीम बची है, ये बच्चे तो खाते नहीं है, तो इसको निकाल के, अब हमारा दूध भी टोंड दूध हो गया, इस मलाई को हम अच्छी तरह से इसमें निकाल लेंगे। नीचे लाइट मलाई, लो फैट मलाई को हम इस तरह से नीचे, देखिए ये निकल जाएगी किसी अच्छी चलनी से, इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे, और ऊपर हार्ड पार्ट रह जाएगा जिससे कि हम घी बना लेंगे। तो एक मलाई से दूध भी आपका टोंड हो गया, मलाई तैयार हो गई एक अमूल क्रीम वाली, जिसको कि हम दाल मखनी या शाही पनीर किसी भी सब्जी के लिए तैयार कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये हमारी व्हिप्ड क्रीम, ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज की रखी हुई हो। ये हार्ड फैट वाली मलाई है, ये रिच है बहुत ज्यादा, इससे तो घी बन जाएगा, और नीचे जो निकली है इससे हम इजीली व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। और देखिए, ये हमने मलाई को मोटी मोटी, ये लो फैट मलाई क्रीम हमने निकाल ली है। अब इसको हम किसी भी, आप ब्लेंडर से या वेपर से, किसी से भी, या हैंड ब्लेंडर से भी आप इसको व्हिस्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको व्हिप करेंगे। देखिए, ये इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई शुगर इसमें ऐड कर देंगे, और इसका यूज आप किसी भी चीज में, केक, पेस्ट्री, किसी भी चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्लेंड करेंगे तो इसमें से घी भी निकल जाएगा। देखिए, अब ताजे फ्रेश दूध से, घर के ही दूध से हमने तीन तरह की, दूध भी आपका फैट फ्री हो गया, टोंड हो गया, पीने के लिए इजी हो गया। ये हमने, आप किसी भी दाल मखनी या किसी भी चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हमने अमूल क्रीम तैयार की है, ये हमने व्हिप्ड क्रीम तैयार की। देखिए कितनी अच्छा, ये देखिए, ये इसको आप किसी भी केक, पेस्ट्री या सैंडविच किसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये लो फैट है, और ये फैट आपका हार्ड फैट तैयार होगा, इससे आप घी को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये
एक मलाई से ही तीन चीजें आपकी इजीली घर में ही तैयार हो गई, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।